राजस्थान छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं, जहां कल जिस तरह से जवान शहीद हुए हैं नक्सली हमले में, आज उन्हें श्रद्धांजलि यहां अर्पित की जा रही है। ये देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और शहीद के परिजन आपको नजर आ रहे होंगे। दंतेवाड़ा में कल नक्सली हमला और उसमें हमारे देश के कई जवान, 10 जवान उसमें शहीद हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देते उनके तमाम परिजन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भगत पीछे पीछे ए भाई मोबाइल थोड़ा पीछे हो जाता था। तो देखिए आप ये सीधा तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने। कल दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ और 10 जवान शहीद हुए थे। आज अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं तमाम सभी शहीदों के परिजन यहाँ पहुंचे हैं और फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। तो कल नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हुए और आज सीएम बघेल इन जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। दंतेवाड़ा से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां इन शहीदों के तमाम परिजन मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कल ये बेहद ही मार्मिक घटना से कही जा सकती है, जिस तरह से नक्सली अटैक हुआ और 10 जवान शहीद हो गए। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, साथ ही आप देख रहे हैं तमाम परिजन भी यहां पर मौजूद हैं और अंतिम विदाई इन्हें दी जाएगी सम्मानजनक रूप से। 10 शहीद कल नक्सली अटैक में जिस तरह से शहीद हुए, उसको लेकर तमाम सवाल और आपको जानकारी भी दे रहे हैं। जो जवान इस नक्सली हमले में शहीद हुए, जोगा सोढ़ी प्रधान आरक्षक कल नक्सली अटैक में शहीद हुए, मुन्नाराम करती हैं ये प्रधान आरक्षक हैं, संतोष तामू, और इनका बलिदान कभी देश भूलेगा नहीं। नक्सली हमलों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और कार्रवाई करने को लेकर अब सरकार भी सख्त होती नजर आ रही है। कल दंतेवाड़ा में जिस तरह से नक्सली अटैक हुआ, 10 जवानों को हमने खोया है, आज छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे। इससे पहले भी देखे इसी तरह के बड़े नक्सली हमले होते रहे हैं। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में जब 30 कांग्रेसी और जवान शहीद हुए थे। मैं मेरी ओर से, संपूर्ण पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे, पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का, तो कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है और ये जो प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं उनकी रक्षा के हेतु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए।